तो मार्केट में 5 दिनों के अंदर बहुत सारे ट्रेलर आए हैं, और अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी जानना है कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए और ट्रेलर में क्या चल रहा है, तो तुम्हारा भाई आया है 5 मिनट में 5 ट्रेलर कवर करके जाएगा। तो आ जाओ, तुम बताता हूँ कौन सा ट्रेलर कैसे जाता है। शुरुआत करते हैं देवरा से। देवरा तुम्हें नहीं पता है तो NTR जूनियर NTR आ रहे हैं मूवी में वापस से, जो कि बोला जा रहा था कि KGF होगी पानी में, बट ऐसा कुछ नहीं। मेरे को तो लग रहा पसंद थी, जो हाइप बननी चाहिए वो बन नहीं रही है, क्योंकि जो KGF जैसा प्लॉट होता है वो बना रही है पूरा पूरा, कि दो डबल रोल होंगे, और डबल रोल वाली मूवी इतनी देख चुका हूँ मैं, अभी लेटेस्ट वोट देख के आता हूँ। उसके बाद फिर देवरा आ रहा है, देवरा जो लीड होगा, जैसे शमशेरा देखी तुमने, थोड़ा थोड़ा प्लॉट वैसा ही है, बट हाँ ये सब पानी में होगा। जो होगा डकैत ही है देवरा, और डकैतों का राजा उस देवरा के अंडर ही काम करता है सैफ अली खान का कैरेक्टर, जो कि गद्दार होगा एट लास्ट पता चलेगा, क्योंकि वो उसको मारने की सोच रहा है। वैसे राजा मानता है, बट जितनी जल्दी राजा हट जाए तो अच्छा है, गलती खुद चाहिए उसे, ठीक है। जो जूनियर देवरा है वो भी प्लेड बाय NTR ही है। तो क्या होने वाला है, गाना है चूत मल्ला, वो बहुत बढ़िया लगा मेरे को गाना, ठीक है, गलत मत ले जाना, ठीक है, नहीं गलत बहुत ज़्यादा साउंड करेगा, ठीक है। तो मूवी कैसे होने वाली है, मूवी का लास्ट शॉट जो है वो ही ज़्यादा तगड़ा लग रहा है, वो पानी में से शार्क पे बैठ के आ रहा है, और अपना कुछ खास लगा नहीं। जो हाइप बैट बनानी चाहिए ऐसी मूवी को बना नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। जबकि तुम देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सबसे बड़ा फैक्टर अगर मैं बताऊँ तो मेरे को किसी ने बताया, ऐसा माना जाता है साउथ इंडस्ट्री में कि अगर तुम SS राजामौली के साथ काम कर रहे हो तो उनका एक कर्स है कि अगर तुम जो भी अगली मूवी करोगे वो अच्छी नहीं चलती, वो पिट जाती है, ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो जैसे कि इसका इतिहास का ट्रुथ जानना हो तो तुम्हें प्रभास भाई को पता ही है, आदि पुरुष हैं, ठीक है। देखे तो इतना तगड़ा झटका मिलता है, इतना बढ़िया डायरेक्टर के साथ काम करने वाला। रामचरण की भी वो आई थी आचार्य, वो भी नहीं चली। तो फैक्ट्स तो हैं कुछ, देखते हैं देवरा इस चीज़ को घुमा पाती है कि नहीं। वैसे जिसने भी बताया थैंक्स। और अभी जैसे ये बात हो ही गई हाइप नहीं बना पा रही, तो एक मूवी है जो अपनी हाइप को बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रही है बट कहीं चूक रही है, इसका नाम है युद्धरा। अगर तुम्हें नहीं पता है तो युद्धरा मूवी में कौन कौन है, सिद्धार्थ चक और अपने राघव जुवाल। हाँ, राघव जुवाल पहले ट्रेलर में 2-3 क्लिप्स थी, मतलब 2-3 सेकेंड के लिए थे, इस ट्रेलर में ट्रेलर 2 ड्रॉप किया गया है कुछ दिन पहले ही मूवी से, ताकि हाइप बढ़ सके। और हाइप में क्या दिखा दिया कि बिल्कुल राघव जुवाल जो है ना वो मेन विलन है भाई, वो तो बिल्कुल सिद्धार्थ के साथ बॉन्डिंग करता है भाई वाला, जैसे जैसे पीटर पार्कर और हैरी ऑसबॉर्न वैसी दोस्ती है, और फिर लड़ाई है, ऐसा होता है कि नहीं। इंडियन हैरी ऑसबॉर्न कैसा निकलेगा, राघव जुवाल मचा पाएंगे कि नहीं वो मूवी में देखने में पता चलेगा। बट जो हाइप वाली बात है वो एक्शन ज़्यादा दिखा दिया है, बट डायरेक्टर ने खुद इंटरव्यू में कहा था ये बहुत ज़्यादा एक्शन पे निर्भर नहीं करेगी मूवी, ये स्टोरी के साथ चलती है। अब स्टोरी कैसी होगी वो अब कुछ दिनों बाद मूवी में ही पता चलेगा। तब तक देखो, तुम भी अपने आप को सिद्धार्थ की तरह गर्म कर सकते हो, कोई नजर आ गए तो तुम भी हो जाओ गर्म। अब तीसरे ट्रेलर पर बात करते हैं, जो कि आया आलिया भट्ट की तरफ से। आलिया भट्ट की मूवी आ रही है फूलों का तारों का सब कहना है, नाम समझ नहीं आया तो नाम बताता हूँ, इसका नाम है जिगरा वर्ष में वो फुल ऑन बहनगिरी दिखाएंगे। हाँ भाई, गिरी होती तो बहनगिरी नहीं हो सकती, कैसे लोग हो तुम, ठीक है। तो हाँ, जिगरा मूवी आ रही है जिसमें वो अपने भाई को जेल ब्रेक करके बचाएंगे, क्योंकि फैमिली के नाम पर भाई है उनके पास, फैमिली जा चुकी है। एक मोनोलॉग में बहुत अच्छे से समझा रही है, मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे पास भाई बचा, अब भाई भी कहीं चला गया जेल में, क्यों गया कैसे गया वो मूवी में ही पता चलेगा। बट मूवी प्रॉमिसिंग लग रही है, और जो थोड़ा मोड़ा जो एक्शन दिया है वो अच्छा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। और तुम खुद भी आलिया भट्ट से अजम्पशंस रखते होगे, हाँ कुछ अच्छा ही देंगे, डिलीवर करेंगे, सॉरी अच्छा कैसे बोलूँ इसको, अच्छा कॉन्टेंट देंगे, ठीक है। तो हाँ, जैसे कि जिगरा पे बात हो गई है, अब बात करते हैं एक और ब्यूटी के बारे में जिसका ट्रेलर आज ही ड्रॉप हुआ है, साथ में राजकुमार राव है। अगर तुम्हें नहीं पता तो विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो कौन सा नहीं समझे, वो वाला तो मतलब वो वाला, हाँ जिसमें तृप्ति डिबरी है, तो हाँ उनका वो वाला वीडियो राजकुमार राव के साथ, कैसे वो तुम्हें मूवी के ट्रेलर में समझ जाएगा कि कपल लोग अपना फर्स्ट नाइट को बहुत ज़्यादा वो बनाना चाह रहे थे, फर्स्ट नाइट को बहुत अच्छे से कैप्चर करना चाह रहे थे, तो हाँ उन्होंने वही पूरा रिकॉर्ड कर लिया, सुहागरात वाला हनीमून वाला पूरा टेप बना लिया, और फिर सोचा कि इसको रीप्ले करेंगे तो मज़ा आएगा, जब भी देखेंगे तो और उत्साहित हो जाएंगे, और उत्साह के साथ चीज़ें कर पाएंगे, यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। उसी सोच के साथ बनाने चले थे टेप, बट टेप बन गई, उसके बाद वो जब वो देख रहे थे और जब वो देखते देखते सो गए, तो मैं पता नहीं सोए हो, ठीक है। बट जब वो सुबह उठे तो उन्हें वो टेप रिकॉर्डर नहीं मिला, और टेप भी नहीं मिली, अब वो चोरी हो चुकी है, और उसी पे केस घूम रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, और मूवी थोड़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, क्योंकि इसमें जो कास्ट है वो फनी है,
और राजकुमार राव भी फनी चीजों को पुल ऑफ कर लेते हैं, तुमने देख ही रखा है स्त्री, यू नो, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा स्पेक्टिकल था तृप्ति डिग्री को लेके कॉमिक रोल में, बट दूसरी बार ट्रेलर को देख के मुझे लगता है कि वो संभाल लेंगे। अब बात करते हैं आज की वीडियो के आखिरी ट्रेलर के ऊपर या टीजर के ऊपर, जिसका नाम है हिट केस 3, जिसमें आ रहे हैं नानी सर वापस से। और तुम्हें नहीं पता क्या ये, तो हिट केस 2 देखना, यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगा। उसमें जो लास्ट में आता है अर्जुन सरकार का कैरेक्टर, जो भी नानी कैरेक्टर निभा रहे हैं हिट 3 में, वो एकदम ही पैलेट चेंज है उस मूवी का, मतलब ट्रांजिशन फेज आता है कि अब जो केसेस संभालेंगे वो ये इस ऑफिसर से हट के इस ऑफिसर में मिलेंगे। हाँ, तो ये एक तो हाँ ये पुलिस ऑफिसर की कहानी है, और कैसा ब्रूटल वो जाता है अपनी गेम में कि उसे नहीं पसंद कि कोई इंटरफेयर करे जब वो केस सॉल्व कर रहा है, और अगर उसको केस सॉल्व करना है तो कैसे भी कर लेगा, मतलब कितना भी खून खराब हो उसे मतलब नहीं, उसे केस और केस सॉल्व होने के बीच का दरमियान कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वो छूने नहीं देता, और छूओगे तो तुम्हारी उंगली नहीं बचेगी या हाथ नहीं बचेगा, ऐसा वाला केस है। और बहुत खूनम खानी चलती है, जो टीजर निकाला उसमें भी ऐसा है कि अपना अर्जुन सरकार जा रहा है बाउंड्री के पास, ठीक है, पीछे से कंट्रोल रूम पे कॉल आ रही है, उधर मत जाने दो, उसको कुछ हो सकता है, बट अपना अर्जुन सरकार दिखाया जाता है उसका फर्स्ट शॉट गाड़ी ड्राइव करते हुए, और फिर पीछे दिखाई जाती है उसकी जो यूनिफॉर्म है उस पर खून लगा हुआ है, क्योंकि अभी पेल के आया किसी को, ठीक है। तो ये मूवी है जिससे मैं कह सकता हूँ कि हाँ मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत मारकाट दिखाई जाएगी, और नानी पुल ऑफ कर सकते हैं ऐसे कैरेक्टर, बहुत बार देख रखा है, दसरा देख रखी मूवी, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो, दसरा मूवी अच्छी मूवी है। तो हाँ, आज की वीडियो में इतने ट्रेलर पर बात करूँगा, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलते बोलते बहुत चीज़ें लंबी ना खिंच जाएं, नहीं फिर तुम वीडियो नहीं देखते हो, ठीक है। तो हाँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, कल मूवी रिव्यू आएगा एक बहुत अच्छी मूवी का, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी में दुरुस्त रहना, और हाँ चाहते रहो, थोड़ा दुखी हूँ मैं अगली वीडियो में, पर तुम समझ लेना, टाटा बाय बाय, 100 सब्सक्राइबर होने वाले करा दो।